बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं का अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में लाहौर के बहुत ही मशहूर दाल चावल की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि लाहौर के मशहूर दाल चावल किस तरह बनाएंगे और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। इसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम दाल बनाएंगे, दूसरे स्टेप में हम चावल बनाएंगे। तो मैं अभी चलती हूँ फर्स्ट स्टेप में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमने दाल बनानी थी उसके लिए मैंने एक पाव जो है वो चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। इसके बाद मैंने 4-5 जो है हरी मिर्चें ले ली थी साबुत, आप चाहें तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। एक दरमियानी साइज की प्याज मैंने इसको काट लिया लच्छेदार, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, आप हसबे जायका इस्तेमाल कीजिएगा, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जो है मैंने सूखा पिसा हुआ धनिया ले लिया है, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया ले लिया है, और हम इसके अंदर 1 टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1/2 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, प्याज शामिल करूंगी और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डालूंगी, क्योंकि प्याज ने जो है अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इसको बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है जो हमें चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करूंगी, हल्दी पाउडर, नमक, पिसा हुआ धनिया। अब हम इसके मसाले को 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं कि जो मसाला है वो अच्छे से हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर जो है वो हमारा इसके अंदर गल गया है और मिक्स भी हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, चने की दाल जो हमने धोकर साफ की हुई थी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो दाल है वो भूनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो इसका ऑयल है जिसको हम तरी कहते हैं वो मैं सारी की सारी निकाल लूंगी। इस तरह से मैं इसकी जो तरी है वो सारी अच्छे से निकाल लूंगी। मैंने इसकी जो सारी तरी थी वो निकाल ली है। निकालने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी शामिल करूंगी। ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें अब डाल दूंगी और इसको हम लगाएंगे वेट। अब हम इसको 10 से 15 मिनट जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे इसकी 3 से 4 सीटियां बोलेंगी हम कुकर को खोल कर चेक करेंगे कि हमारी दाल गल गई या नहीं। अब इसकी सीटियां आ चुकी थी, मैंने इसकी पूरी गैस जो है वो प्रेशर की खत्म कर लिया। अब मैं 15 मिनट बाद जो है वो कुकर खोल कर देखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो दाल है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई और हमें इतना ही इसका पानी चाहिए था। और अब मैं क्या करूंगी, हल्का हल्का चम्मच चलाकर इसको इस तरह से करती जाऊंगी ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स होता जाए। काफी हद तक ये गल चुकी है और इसमें मिक्स होगी। मजीद मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूंगी। और ये देखें व्यूअर्स,
हमारी जो दाल थी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आएगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो ऑयल हमने सबसे पहले इसके ऊपर से तारा था जिसको हम तरी कहते हैं, वो मैं सारा इसके अंदर शामिल कर दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जस्ट हमने इसको मिक्स करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुकी है। चलिए व्यूअर्स, हमारी जो दाल है वो पक चुकी है, मैं इसको अब डिश आउट करूंगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चावल लिए हैं, मैंने पुराने चावल 2 ग्लास लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। इसके साथ मैंने 2 दरमियानी साइज की प्याज ले ली है जिसको मैंने लच्छेदार प्याज कट कर लिया है। 1 चम्मच बिरयानी मसाला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज मिर्च कटी हुई 1 अदद, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आपने हसब जरूरत इस्तेमाल करना है, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ हमने 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है, 3 अदद मैंने सब्ज इलायची ली है छोटी वाली, 1 चम्मच हमने इमली पल्प के साथ ली है। चलिए अब हम चावल बनाना शुरू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 1 पतीली के अंदर 1/2 कप जो है वो ऑयल ले लिया और अब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई प्याज को शामिल करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन कलर तक जो है वो पकाना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है साथ ही अपना थोड़ा सा अदरक लहसुन की जो 1 चम्मच पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि 1 मिनट हो चुका है, अब मैं साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है 1/2-1.5 सेकंड के लिए जब तक टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। तो अब साथ ही हम क्या करेंगे, अपने मसाले जितने थे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इमली का पल्प और इसका जो सिरप है वो शामिल करूँगी, इसके साथ हरी मिर्च कटी हुई, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, गरम मसाला पाउडर, इलायची, इसको हम थोड़ा सा इसका मुंह खोल लेंगे, और नमक शामिल कर। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ढांप दूंगी 1 मिनट के लिए। जैसे इमली का पानी खुश्क होगा तो हम इसको 1/2 सेकंड मजीद मसाले को भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा मसाला है वो भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, क्योंकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे इसलिए मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, पानी उबलने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने चावल को ऐड करेंगे। चावल का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब चम्मच अच्छे से हम हला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद हम इसको ढांप कर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको अब तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और फिर दम लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। मैं अब इसको दम पर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। अब हमने इसको दम पर लगा दिया है, 10 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारे चावलों को जो है दम आ चुका है।
अब हम चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो दाल थी वो पककर तैयार हो गई थी। मैंने इसको बाउल में डिश आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े से फ्रेश धनिया और सब्ज मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। इस तरह से हम हरी मिर्चें भी डाल लेंगे और साइड पर हम ये थोड़ा सा जो धनिया अपना डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी आज की डिश दाल चावल पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये रेडी टू सर्व हैं। अगर आप दाल चावल के मजे को दुबाला करना चाहते हैं तो इसके साथ आपने प्याज का सैलेड बना लेना, जो कि मैं बना चुकी हूँ, और साथ में आपने आम का अचार जो है वो डालकर खाना है, तो फिर आपका मजा जो है वो और बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज हमारी ये लाहौर के मशहूर दाल चावल की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।